मालवा इलाके इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। पिछले 5 दिनों में तापमान में बड़ी गिरावट आई है। हर कपकपा देने वाली ठंड से इंसान तो इंसान भगवान भी नहीं बचा पा रहे हैं। मंदसौर विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पुष्पपति नाथ पर भी ठंड का असर हुआ है। लिहाजा अब भगवान को भी ठंड से बचने के लिए कंबल और हीटर का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान पुष्पपति नाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शयनकालीन आरती के बाद भगवान पुष्पपति नाथ को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया जा रहा है। रात में 10 बजे सायंकालीन आरती के बाद भगवान पुष्पपति नाथ के गर्भगृह में हीटर के साथ प्रतिमा को कंबल उड़ाया जा रहा है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्भगृह में हीटर भी लगाई गई है। भगवान पुष्पपति नाथ मंदिर पुजारी का कहना है कि ये भक्तों की अटूट श्रद्धा है। जैसे भगवान के भक्तों पर ठंड का असर होता है, वैसे ही भगवान पर भी ठंड का असर होता है। लिहाजा भगवान के गर्भगृह में हीटर लगाए गए हैं। वहीं शयन काल आरती के बाद भगवान को कंबल उड़ाया जाता है ताकि भगवान को ठंड से बचाया जा सके। गौरतलब है कि इन दोनों मंदसौर में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया है। खास तौर से सुबह की शिफ्ट में तो स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी शीत ऋतु चल रही है जिससे ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भक्तों द्वारा शयन कराते हुए भगवान की पशुपतिनाथ को सारा संगार हटाकर भगवान को केवल भस्म लगाई जाती है। भस्म लगाने के बाद उनको तांबूल और दूध का भोग लगाया जाता है तथा भक्तों की अटूट श्रद्धा भगवान पशुपतिनाथ में है तथा इनके लाड़ रखते हुए भगवान का जैसे हम भक्तों को ठंड लगती है वैसे ही भगवान को ठंड न लगे इसके लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष ठंड के दिनों में भगवान को कंबल उड़ाया जाता है, हीटर लगाया जाता है जिससे भगवान को ठंड न लगती है। कहा यह जाता है कि देहोत्कालित पूज्वा देवता की पूजा करने से पहले स्वयं को देवता बनना पड़ता है। जैसे भक्तों को ठंड लगती है वैसे ही भगवान को भी ठंड लगती है, ऐसा भक्तों का मानना है और भक्तों के ऐसे ही लाड़ है भगवान के प्रति। तो उनको ठंड से बचाने के लिए भगवान पशुपतिनाथ को ठंड से बचाने के लिए भक्तों द्वारा कंबल उड़ाया जाता है।